विविध पापों के प्रायश्चित का विधान तथा भगवान विष्णु के आराधना की महिमा से सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं प्रायश्चित की विधि का वर्णन करूंगा, सुनिए। संपूर्ण धर्मों का फल चाहने वाले पुरुषों को काम क्रोध से रहित धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मणों से धर्म की बात पूछनी चाहिए। विप्रवर जो लोग भगवान नारायण से विमुख है उसके द्वारा किए हुए प्रायश्चित उन्हें पवित्र नहीं करते, ठीक उसी तरह जैसे मदिरा के पात्र को नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। ब्रह्म हत्यारा मदिरा पीने वाला स्वर्ण आदि वस्तुओं की चोरी करने वाला तथा पुगुरु पत्नी कामी ये चार महापातकी कहे गए हैं तथा इसके साथ संपर्क करने वाला पुरुष पांचवा महापातकी है जो इसके साथ एक वर्ष तक सोने बैठने और भोजन करके आदि का संबंध रखते हुए निवास करता है, उसे भी सब कर्मों से पतितर समझना चाहिए। अज्ञातवश ब्रह्मत्यारा हो जाने पर चीर वस्त्र और जटा धारण करे और अपने द्वारा मारे गए ब्राह्मण की कोई वस्तु ध्वजा दंड में बांध कर उसे लिए हुए वन में घूमे, वहाँ जंगली फल मूलों का आहार करते हुए निवास करे, दिन में एक बार परिमित भोजन करे, तीनों समय स्नान और विधि पूर्वक संध्या करता रहे, अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे, निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करता रहे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे और गंध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओं को छोड़ दे, तीर्थों तथा पवित्र आश्रमों में निवास करे, यदि वन में फल मूलों से आजीविका न चले तो गांवों में जाकर भिक्षा मांगे, इस प्रकार शरीर का चिंतन करते हुए 12 वर्ष का व्रत करे, इससे ब्रह्मत्यारा शुद्ध होता है और ब्राह्मणोचित कर्म करने के योग्य हो जाता है। व्रत के बीच में यदि हिंसक जंतुओं तथा रोगों से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौ तथा ब्राह्मणों के लिए त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 10,000 उत्तम गायों का दान करे तो उससे भी उसकी शुद्धि होती है, उनमें से एक भी प्रायश्चित करके ब्रह्मत्यारा पाप से मुक्त हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित क्षत्रिय का व्रत करके भी ब्रह्मत्या का ही व्रत करे अथवा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए या किसी ऊंचे स्थान से वायु के झोंके खाकर गिर जाए। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर गुरु दुगुने व्रत का आचरण करे। आचार्य आदि की हत्या हो जाने पर चौगुना व्रत बताया गया है। नाम मात्र के ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो एक वर्ष तक व्रत करे। ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित की विधि बताई गई है। यदि क्षत्रिय के द्वारा उपयुक्त पाप हो जाए तो उसके लिए दुगुना और वैश्य के लिए तिगुना प्रायश्चित बताया गया है। जो शुद्र ब्राह्मण का वध करता है उसे विद्वान पुरुष मुसल से मार डालने योग्य मानते हैं। राजा को ही उसे दंड देना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। ब्राह्मण की वध में आधा और ब्राह्मण कन्या के वध में चौथाई प्रायश्चित कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो ऐसे ब्राह्मण बालकों का वध करने पर भी चौथाई व्रत करे। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का वध कर डाले तो वह 6 वर्षों तक कुछ व्रत का आचरण करे। वैश्य को मारने पर 3 वर्ष और शूद्र को मारने पर 1 वर्ष तक व्रत करे। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की धर्मपत्नी का वध करने पर 8 वर्षों तक ब्रह्मत्य का व्रत करे। मुनिश्रेष्ठ वृद्ध रोगी स्त्री और बालकों के लिए सर्वत्र आधे प्रायश्चित का विधान बताया गया है। सुरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गौडी गुड़ से तैयार हुई पेस्टी मतलब चावलों आदि के ओट से बनी हुई तथा मांडवी फूल के रस सुरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गौडी गुड़ से तैयार हुई पेस्टी मतलब चावलों आदि के आटा से बनाई हुई तथा मांडवी मतलब फूल के रस अंगूर या महुए से बनी हुई। नारद जी चारों वर्णों के पुरुषों तथा स्त्रियों में को इसमें से कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिए।
मुनि शराब पीने वाला द्विज स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करे और दूध घी अथवा गौमूत्र को तपाए हुए लोहे के समान गर्म करके पी जाए, फिर जीवित रहे तो जल पीवे, वह भी लोह पात्र अथवा आयस पात्र से पिए या तांबा के पात्र से पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही मदिरा पीने वाला द्विज उस पाप से मुक्त होता है। अनजाने में पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधि पूर्वक ब्रह्मत्या का व्रत करे किंतु उसके चिन्हों को न धारण करे। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से कोई द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन संस्कार करके उनसे दो चंद्रायन व्रत कराने चाहिए। शराब से छुआए हुए पात्र में भोजन करना जिसमें कभी शराब रखी गई हो उस पात्र का जल पीना तथा शराब से भीगे हुए वस्तु को खाना ये सब शराब पीने के ही समान बताया गया है। ताड़ पटहल अंगूर खजूर और महुआ से तैयार की हुई उस तथा पत्थर से आटे को पीसकर बनाई हुई अरिष्ट मोरई और नारियल से निकली हुई गुड़ की बनी हुई तथा मांडवी ये 11 प्रकार की मदिराएं बताई गई है। उपयुक्त 3 प्रकार की मदिराएं ये हैं। मदिरा के ही ये 11 भेद हैं। उसमें से किसी भी मद को ब्राह्मण कभी न पिए। यदि बीज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अज्ञानवश इसमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तृप्त कुछ व्रत का आचरण करे। जो सामने या परोक्ष में बलपूर्वक या चोरी से दूसरे के धन को ले लेता है उसका ये कर्म विद्वान पुरुषों द्वारा त्यज्य मतलब चोरी कहा गया है। मनु आदि ने स्वर्ण के माप की परिभाषा इस प्रकार की है। विप्रवर ये माप आगे कहे जाने वाले प्रायश्चित की युक्ति का साधन है, अतः इसका वर्णन करता हूँ। सुने जरोखे के छिद्र से घर में आई हुई सूर्य की जो किरणें हैं उनमें से जो उत्पन्न सूक्ष्म धूलि कण उठता दिखाई देता है उसे विद्वान पुरुष त्रसरेणु कहते हैं। वही त्रसरेणु का माप है। 8 त्रसरेणु का एक निष्कल होता है और 3 निष्कलों का एक राय बतलाया गया है। 3 राजसर्पस मतलब राय बताया गया है। 3 राजसर्पों का एक गौर सर्प मतलब पीली सरसों होती है और 6 गौर सरसों का एक यव कहा जाता है। 3 यव का एक कृष्णल होता है। 5 कृष्णल का एक मास मतलब मासा माना गया है। नारद जी 16 मास के बराबर एक सुवर्ण होता है। यदि कोई मूर्खता से सुवर्ण के बराबर ब्राह्मण के धन का यथार्थ 16 मासा सोने का अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्ववत 12 वर्षों तक कपाल और ध्वज के चिन्हों से रहित ब्रह्मत्या व्रत करना चाहिए। गुरुजनों यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा क्षत्रिय ब्राह्मणों के सुवर्ण को चुरा लेने पर इस प्रकार प्रायश्चित करें। पहले उस पाप के कारण बहुत पश्चाताप करें, फिर संपूर्ण शरीर में घी का लेप करें और डंडे से अपने शरीर को ढककर आग लगाकर जल मरे, तभी वह उस चोरी से मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को चुरा ले और प्रायश्चित पश्चाताप होने पर फिर उसे वही लौटा दे तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि मुझसे सुनिए। ब्रह्मर्षि वह 12 दिनों तक उपवास पूर्वक संतापन व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न सिंहासन मनुष्य स्त्री दूध देने वाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्ण के ही समान माने गए हैं। इसकी चोरी करने पर आधा प्रायश्चित कहा है। राजसर्प मतलब राय बराबर सोने की चोरी करने पर 4 प्रणयम करने चाहिए। गौरसर्प बराबर स्वर्ण का अपहरण कर लेने पर विद्वान पुरुष स्नान करके विधि पूर्वक 8000 गायत्री का जप करे। जो बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक वेदमाता गायत्री का जप करे तो उससे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य संतापन व्रत करे। यदि 1 मास के बराबर सोना चुरा ले तो वह 1 वर्ष तक गौमूत्र में पकाया हुआ जो
जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर पूरे 16 मासा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एक अग्रजित हो 12 वर्षों तक ब्रह्महत्या का व्रत करे। जब अब गुरुपत्नी गामी पुरुषों के लिए प्रायश्चित का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य यज्ञानवश माता अथवा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोश को काट डाले और हाथ में उस अंडकोश के लिए वे नैऋत्य कोण में चलता जाए। जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार न करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की ओर न देखते हुए प्रणांत होने तक चलता जाता है वह पाप से शुद्ध होता है। अथवा अपने पाप को बताते हुए किसी ऊंचे स्थान से हवा के झोंके के साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्ण की या अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित होकर 12 वर्षों तक ब्रह्महत्या का व्रत करे। विजश्रेष्ठ जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्ण वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह डंडे की आग में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीर्यपात से पहले ही माता के साथ समागम से निवृत्त हो जाए तो ब्रह्महत्या का व्रत करे और यदि वीर्यपात हो जाए तो अपने शरीर को अग्नि में डाल दे। यदि अपने वर्ण की तथा अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम करने वाला पुरुष वीर्यपात से पहले ही निवृत्त हो जाए तो भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 9 वर्षों तक ब्रह्महत्या का व्रत करे। मनुष्य यदि काम से मोहित होकर मौसी बुआ गुरुपत्नी सास चाची मामी और पुत्री से समागम कर ले तो दो दिन तक समागम करने पर उसे विधिपूर्वक ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिए और 3 दिन तक संभोग करने पर वह आग में जल जाए तभी शुद्धि होता है, अन्यथा नहीं। मुनीश्वर जो काम के अधीन हो चांडाली पुष्कली मतलब बलि भील जाति की स्त्री पुत्र वधु बहन मित्र पत्नी तथा शिष्य की स्त्री से समागम करता है वह 6 वर्षों तक ब्रह्महत्या का व्रत करे। जो अब महापात की पुरुषों के साथ संसर्ग का प्रायश्चित बताया जाता है। ब्रह्मत्यारे आदि 4 प्रकार के महापातकियों से उसके साथ जिस पुरुष का संसर्ग होता है वह उसके लिए विहित प्रायश्चित कर व्रत का पालन करके निश्चय शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने 5 रात तक उसके साथ रह लेता है उसे विधिपूर्वक प्राजापत्य कुछ नामक व्रत करना चाहिए। 12 दिनों तक उसके साथ संसर्ग हो जाए तो उसका प्रायश्चित महासंतापन व्रत बताया गया है और 15 दिनों तक महापातियों का साथ कर लेने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे। 1 मास तक संसर्ग करने पर पराग व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो तो चंद्रायन व्रत का विधान करे। 6 महीने तक महापात की मनुष्यों का संग करके मनुष्य 2 चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करे। 1 वर्ष से कुछ कम समय तक उसका संग करने पर 6 महीने तक चंद्रायन व्रत का पालन करे और यदि जानबूझकर महापात की पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सब का प्रायश्चित ऊपर बताए हुए प्रायश्चित से तिगुना बताया गया है। मेढक नेवला कौवा सुअर चूहा बिल्ली बकरी भेड़ कुत्ता और मुर्गा इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्धकुछ व्रत का आचरण करे और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अर्धकुछ व्रत का पालन करे। हाथी की हत्या करने पर तृप्त कुछ और गोहत्या करने पर पराक व्रत करने का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वध किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई भी उपाय नहीं देखा है। पीने योग्य वस्तु संयम आसन फूल फल मूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों की चोरी के पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काष्ठ तिनके वृक्ष गुड़ चमड़ा वस्त्र और मांस इनकी चोरी करने पर 3 रात उपवास करना चाहिए। टिटिहरी चकवा हंस का करंडव उल्लू सारस कबूतर जलमृग मुर्गा तोता नीलकंठ बगुला सस और कछुआ इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिनों तक उपवास करना चाहिए। वीर्य मल और मूत्र खा लेने पर प्राजापत्य व्रत करे। शूद्र का जूठा खाने पर 3 रात चंद्रायन व्रत करने का विधान है। रजस्वला स्त्री चंडाल महापात की शुद्धि का पतित उच्चिष्ट वस्तु आदि का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करे और द्रुत पीवे। नारद जी इसके सिवा 800 गायत्री का जप करे। जब वह शुद्ध चित्त होता है ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है।
विद्वानों ने जो जो पाप महापातकों के समान बताए हैं उन सबका इसी प्रकार विधि पर प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो राग द्वेष आदि से मुक्त हो पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। समस्त प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना है और भगवान विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है वह महापातकों से अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त हो तो भी उसे सब पापों से मुक्ति ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के भजन में लगा हुआ है। जो मानव अनादि अनंत विश्वरूप तथा रोग शोक के शोक से रहित भगवान नारायण का चिंतन करता है वह करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का स्मरण पूजन ध्यान अथवा नमस्कार किया जाए तो वह सब पापों का निश्चय ही नाश कर देते हैं। जो किसी के संपर्क से अथवा लोकवश भी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जो उसके वैकुंठ धाम में जाता है नारद जी, भगवान विष्णु के एक बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों की राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्य को स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति होती है। वह स्वयं ही हनुमान हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो लोग इसे पाते हैं वे धन्य है। मानव जन्म मिलने पर भी भगवान की भक्ति और भी दुर्लभ बताई गई है। इसलिए बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर एवं दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। वे भगवान ही अज्ञानी जीवों को अज्ञान में बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान के इस भजन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मन की शुद्धि होती है। भगवान जनार्दन के पूजित होने पर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की आराधना में लगे हुए मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अरे पुत्र स्त्री धन खेत धन घर खेत धन और धान्य नाम धारण करने वाली मानवी प्रवृत्ति को पाकर तू घमंड न कर। काम क्रोध लोभ मोह मद परापवाद और निंदा का सर्वदा त्याग करके भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि का भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान जनार्दन की आराधना में लग जा। यमपुरी के वे वृक्ष समीप ही दिखाई देते हैं। जब तक बुढ़ापा नहीं आता मनुष्य मृत्यु भी जब तक नहीं आ पहुंचती है और इंद्रिया जब तक शिथिल नहीं हो जाती तब तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। ये शरीर नाशवंत है, बुद्धिमान पुरुष इस पर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती है, धन वैभव अत्यंत चंचल है और शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है। अतः अभिमान छोड़ दे, महाभाग संयोग का अंत वियोगी है। यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है ये जानकर भगवान जनार्दन की पूजा कर। मनुष्य आशा से कष्ट पाता है उसके लिए मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करता है वह महापातक ही होने पर भी उस परम धाम को जाता है जहाँ जाकर किसी को शोक नहीं होता। साधु शिरोमणि संपूर्ण तीर्थ समस्त यज्ञ और अंगों सहित सब वेद भी भगवान नारायण के पूजन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति से वर्जित हैं उन्हें वेद यज्ञ और शास्त्रों से क्या लाभ हुआ, उन्होंने तीर्थों की सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रत से भी क्या होने वाला है। जो अनंत स्वरूप निरीह ओंकार बोध्य वरेण्य वेदांत वेद तथा संसार रूपी रोग के वैद्य भगवान विष्णु का यजन करते हैं वे मनुष्य उन्हीं भगवान अच्युत के वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अनादि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न जगत के आधार देवताओं के आराध्य तथा ज्योतिष स्वरूप परम पुरुष भगवान अच्युत का स्मरण करता है वह नर अपने नित्य सखा नारायण को प्राप्त कर लेता है।